हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है रीना हैप्पी किचन में तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट मलाई कोफ्ता और जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला है और झटपट से हम बना लेंगे इसे तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को तो ये देखिए मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे ढाई ग्राम पनीर और ढाई ग्राम के करीब ही आलू है तो हम बराबर मात्रा में लिए हैं आलू मैंने बॉईल कर लिया था बॉईल हुआ आलू लिए हूँ और इसे मैं अब कद्दूकस कर लूँगी ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए तो आप पनीर या आलू को कम ज़्यादा कर सकते हैं आधा आलू ले सकते हैं या पनीर ज़्यादा ले सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा मलाई कोफ्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा तो ये देखिए मैंने दोनों को कद्दूकस कर लिया है अब इसमें मैं कुछ थोड़ा सा कुछ मसाले डालूंगी तो ये थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा मिर्च पाउडर मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ आप चाहें तो ना भी डाल सकते हैं इसे और मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ तो नमक मैं थोड़ा सा कम ही डालूंगी क्योंकि ग्रेवी में भी नमक रहेगा अब इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे आ, आलू है और पनीर है और मसालों को हम अच्छे तरीके से पहले मिला लेंगे सबको अब मैं इसको कोफ्ते को बाइंडिंग के लिए इसमें मैं ले रही हूँ मैदा तो मैंने आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा मैंने लिया है तो पहले मैं इसको मिक्स करके देख लूँगी इससे हमारा अच्छे तरीके से कोफ्ता बन जाएगा तो फिर मैं नहीं डालूँगी तो बन गया था और ये देखिए और अब मैं डाल रही हूँ इसमें तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था और मैं इसमें कोफ्ता फ्राई करने के लिए डाल दी हूँ तो तेल अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए ज़्यादा गर्म तेल रहता है कोफ्ते के लिए तो अच्छा रहता है अगर कम गर्म तेल में आप डालिएगा तो कोफ्ता फटने लगेगा तो इसलिए तेल अच्छे तरीके से गर्म होने से अच्छा रहेगा तो ये देखिए फ्रेंड हमारा कोफ्ता बनकर के तैयार हो चुका है तो ये देखिए मैंने इतने सारे कोफ्ते बना लिए हैं अब मैं ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे डालचीनी लौंग इलायची छोटी इलायची बड़ी इलायची और जावित्री जीरा काली मिर्च ये मैंने थोड़ा थोड़ा ले करके और मैंने तेल में तेल डाल दिया था दो तीन स्पून और उसमें डाल करके अब मैं प्याज भी इस तरह से रफली कट कर लिया था दो तीन मीडियम साइज का प्याज और इसको हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च तो थोड़ा थोड़ा हम ले लिए हैं इसे और इसको भी इसी तरह से हल्का सा भून लेंगे और मैं इसमें डाल रही हूँ काजू थोड़ा सा काजू डाल रही हूँ इसमें मैं और इस तरह से हम चलाते रहेंगे इसे और मैं यहाँ पे ले रही हूँ टमाटर तो मैंने तीन बड़े आकार के टमाटर को इस तरह से रफली चॉप कर लिया था और इसमें डाल दिया है और इसको भी हम थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूंगी ताकि ये थोड़ा सा गल जाए टमाटर वगैरह और नमक को हम मिला देंगे इस तरह से थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसमें ताकि ये थोड़ा सा पक जाए कुक हो जाए थोड़ा और ढक दूंगी तो ये देखिए फ्रेंड ये इस तरह से मैंने पाँच मिनट के लिए किया था और इसका ग्रेवी बना ली मैं मिक्सी जार में पीस करके और कढ़ाई में तेल लेकर के और इस तरह से ग्रेवी को मैं डाल दी हूँ और इसे हम भून लेंगे अच्छे तरीके से अब कुछ पाउडर मसाले मैं ऐड कर दूंगी तो जैसे कि थोड़ा सा मैंने डाला हल्दी पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और तो काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और हम थोड़ा सा चला देंगे इस तरह से और ये काश्मीरी लाल मिर्च मैं थोड़ा सा डाली हूँ और नमक भी तो नमक तो हम पहले से इसमें सब में डला हुआ था तो हम ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने और इस तरह से मैं मलाई डाल रही हूँ इसमें और हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसे तो ढक करके हम थोड़ा देर इसे पकने के लिए रख देंगे तो ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी में थी तो इस तरह से हाथ से थोड़ा सा मैस करके मैं इसमें डाल दूंगी और हमारा बहुत ही शानदार ग्रेवी बन के तैयार है मैंने इसमें एक क्यूब बटर का डाल दिया है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा थोड़ा देर मैं इसे ढक दूंगी तो ये देखिए मैंने इस तरह से कोफ्ते को रख दिया है और इसके ऊपर मैं ग्रेवी डालूंगी क्योंकि ग्रेवी में हम पकते समय हम इस कोफ्ते को नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है ये कोफ्ता तो पूरा घुल जाएगा मिल जाएगा तो इसीलिए इस तरह से ही जब आप खाना खाने लगे तब आप कोफ्ता इस तरह लीजिए और उसके ऊपर ग्रेवी डाल दीजिए तो ये देखिए फ्रेंड हमारा बहुत ही शानदार लजीज स्वादिष्ट मलाई कोफ्ता बन करके रेडी हो गया और हम जा रहे हैं इसे इंजॉय करने आप भी बनाइए और एंजॉय करिए ओके बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ